पहाड़ पर भारी बारिश के बाद अब लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर बद्रीनाथ हाईवे पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है। चमोली में भयानक लैंडस्लाइड, पाताल गंगा के पास भारी भूस्खलन, ये वीडियो खौफ पैदा करने वाला है। ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं। लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद। देखिए इन तस्वीरों को, कैसे मलबा पहाड़ से नीचे गिर रहा है। बड़ी बड़ी चट्टाने और मिट्टी नीचे गिर रही है। सब तरफ गुबार नजर आ रहा है। देखिए ये तस्वीरें किसी ने मोबाइल से रिकॉर्ड की हैं। इस इलाके में भारी बारिश के बाद से अब पहाड़ों का दरकना शुरू हो चुका है। कई इलाकों में बारिश तो रुक गई है, लेकिन पहाड़ों की मिट्टी खिसकने लगी है, जिसकी वजह से ऐसी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। अब दूसरे कैमरे से देखिए, ये तस्वीरें लैंडस्लाइड वाली जगह से बेहद करीब से ली गई हैं। देखिए ये कितना भयानक मंजर है। देखते देखते लाखों टन मलबा पहाड़ से नीचे गिरने लगा। एक पल तो ऐसा लगा मानो पूरा का पूरा पहाड़ ही टूट जाएगा। लैंडस्लाइड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अगर कोई इसकी चपेट में आता तो जान बचना मुश्किल होता। देखिए इसकी रफ्तार कितनी तेज थी। चंद सेकंड के अंदर मानो यहाँ सब कुछ खत्म हो गया। मलबे की चपेट में आने वाले सैकड़ों पेड़ तिनके की तरह उड़ गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि पहाड़ों में बरसात के दिनों में कहीं भी कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है, लिहाजा सावधान रहें। हाईवे बंद होने के बाद दोनों ओर यात्री फंस गए हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर हैं, साथ ही बीआरओ की टीम भी मलबा हटाने के काम में जुट गई है। लेकिन ये लैंडस्लाइड इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि रास्ता साफ करना आसान नहीं होगा। यात्रियों को आने जाने के लिए दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। कल ही चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर ही लैंडस्लाइड की एक और तस्वीर सामने आई थी, और 24 घंटे के अंदर ही ये दूसरा बड़ा भूस्खलन हो गया। नितिन सेमवाल, न्यूज 18, चमोली।